हैदराबाद की कायमगंज की फेवरेट। माशाल्लाह से देखो दिल्ली में हमको मिल गया नाल गोश्त। ले जाओगे? सही है, बैचलर पार्टी तो होना चाहिए। कहाँ? शामियाना एक तो मुंह भी फाड़ रहे, जितना बड़ा बड़ा फाड़ रहे हैं। दावत आपकी पक्की हो गई। आज का भी तो है, मतलब पुलाव आ रहा हूँ। आज तो जा रहे जिम का कई दिन भैया कहो चाहती क्या तने मटर पुलाव के दिन तक अपने कैंसिल प्लान। पक्का यही कहा हुई, पक्का 100%। तो भाई माशाल्लाह से हम बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आखिरी ठंडक की आखिरी आग तापी जा रही है विद नाहिद एंड हमारे आबिद भाई। तो मोदा जाने की तैयारी हो रही है फिर आपकी? पक्का तैयारी है। क्या लिया, कोट पैंट की शेरवानी? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने आबिद मामू से कहा, मैंने कहा जो है पैसा लूटे ना, पता चला पैसा लूटे माँ आबिद मामू घुस गया, दे 20-20 के नोट, दे 20-20 के नोट। आबिद मामू बहुत पैसा दे। नहीं नहीं पैसा तो खैर आबिद मामू के पास बहुत ज्यादा है। क्यों आबिद मामू है ना? और मोदा हम भी जा रहे हैं, तो मोदा जाने की जो तैयारी वास्ते स्टार्ट हो गई है, निकल रहे हैं अभी हम आए ऑफिस से। चलो चलते हैं आबिद मामू। अल्लाह सुबह आ गए हम जिम और ये हमारे ट्रेनर भाई साहब, हमारे सलमान भाई, तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। आज हम क्या लगाने वाले हैं? आज 35 मिनट। और आज हम सिर्फ 35 मिनट लगाने वाले हैं क्योंकि यार लेट हो गया है, बट कोई नहीं हम कंटिन्यू करेंगे। और मौदहा निकल रहे हैं, तो मौदहा के लिए हमारे भाई क्या नाम है? उमर। क्या बात है, कर ले हम थोड़ी सी बॉडी शॉडी बना ले भाई, हमारी हाइट कम है और ये इतना ऊपर है और ये हमको काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि स्टार्टिंग में तो एक ही दो लग रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 निकल आते हैं। सुबह ये हम आपका दिवाली का ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमने कहा कि आज हम आपको थोड़ा सा रूबरू हो जाए, क्योंकि ये मेरा जिम का प्रॉपर नहीं, थोड़ा सा है। फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डेली ब्लॉग रोज दे पाऊँ, जिसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, फिर आपको डेली मेरे ब्लॉग हो जाए। भाई कॉमेंट में माशाल्लाह लिख दे, नज़र बिल्कुल भी ना लगाए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा है। सुबह ये हो गई, इसके हमने 3 सेट लगाए हैं 15-15 के। एंड यहाँ पे ये सारे लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे देखो पंचायत चल रही है। ये भाई और भाई सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। ये देखो तबड़ी है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको डेली व्लॉग दे पाए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। अगर जहाँ पे मेरे पास फोन नहीं होता, हम दूसरे के फोन से शूट कर लेते हैं। एनीवेज सो मैं ऑफिस से आ गया हूँ और मुझे आज बहुत तेज भूख लगी, तो मैंने ऑमलेट बना के सबसे पहले खाया। अब मैं फेस वॉश करके हमको जाना है, एक बहुत खास मेहमान है उनसे मुलाकात करने, हालांकि उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बस चलते हैं, थोड़ा सा काम भी है और फिर आपको दिखाते हैं, बने रहे व्लॉग में, मजा आएगा। इससे हम लिंक फेस वॉश हो गया है, अब जल्दी से हम थोड़ा सा कपड़े हमने चेंज कर लिए, यही पहन लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपके चेंज हो जाएंगे ना। भाई तिकोना, फाइनली अब हमें रिक्शा मिल गया तिकोना के लिए। हम हैं ओखला हेड में और आपको खाने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हालांकि हमको नहीं खाना है, हमको निकलना है यहाँ से, तो निकलते हैं। और कैमरा बहुत ज्यादा शेक कर रहे हैं मेरे हाथ में, एच बी ओ में और कुछ ज्यादा एकदम सकरा खुफिया ना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ये हमारा एक पुराना गिफ्ट था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था और मैंने बोला डिले होता जा रहा था, मेरे बाल में पड़ा था खराब भी, एक्चुअली से कुरुण मुरुण भी हो गया। अरे कोई नहीं, एंड इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो हम पहुंच के ट्राई घर जाके ट्राई करके बताएंगे। तो आज का ब्लॉग देखा आपने? आज का ब्लॉग मैंने देखा, मौसम वाला अच्छा था। हाँ, काफी दिन बाद वो डिले हो गया, बिकॉज इतना सारा कंटेंट हो गया था ना, तो एक करके हमने ऑर्डर किया है तंदूरी ग्रेवी मोमोज, अफगानी मोमोज। ओके, वो मुझे यहाँ के बहुत पसंद है, यहीं पे अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो चलो ये है आपके ग्रेवी मोमोज, जो अफगानी ग्रेवी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। यहीं के? अच्छा यहीं के। और एक साहबजाद और साहबजाद कह रहे हैं, एक साहब और आने वाले हैं। मैंने सोचा कि होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, कंपनी देने के लिए कब आ रहे हैं, फोन करिए उनको। अभी ट्राई करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे साहब आने वाले हैं। नहीं नहीं आप ट्राई करिए, फोन कर लीजिए। ये है आपका और देखने में माशाल्लाह से काफी लजीज लग रहे हैं। बटर की चीजें होती है ना, वो थोड़ी सी कम मैं प्रेफर करता हूँ।
चिकन रेड मोमोज है। मैंने रुखसार से कहा मैं जिम रात जिम में सो गया, तो कह जिम भी जाते, इतना सरप्राइज है कि जिम में जाते हैं, मतलब सिक्स पैक नहीं है मेरे बट मेंटेन हो रहे हैं। ये तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए शौक हुई कि आप बता रहे थे ऑफिस से रूटीन इतना रहता है, जैसे सेम एज हमारे जैसे ही तो फिर कैसे ये कर पाते हैं। एक महीना हुआ है मुझे, अभी 5 जनवरी स्टार्ट किया था, अभी एक महीना हुआ है, बीच में जैसे मैं मंडी नहीं गया था, आज नहीं गया, ऐसे ही होता है। कल मेरी सिस्टर कह रही है कि डाइट क्लियर है, मैंने कहा डाइट के लेने से पैक थोड़ी, बस मुझे अपना थोड़ा सा मेंटेन करना है, दैट्स इट। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, लीजिए कैमरा शाय है तो वो नहीं बता रहे कि क्या ऑर्डर कर रहे, आप नहीं आएंगे, डोंट वरी। अच्छा पता नहीं कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता है, सोचते हैं कि भाई मतलब मैं ही एडिट करता हूँ, नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, लोग एडिट वालों को मानते कहाँ हैं, हम गरीब लोगों को नहीं, ये लगता कि नहीं नहीं ये कह तो कहीं डाल ना दे, ऐसा तंदुरुस्त मुर्गा नहीं है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है बड़ा। अब निकलते हैं, बहुत सारा डिस्कशन भी हो गया, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ हमारा काम को लेके, सुहेल वी मिस यू, एंड हम अब काम के लिए, और इसको प्लीज कट ले लीजिएगा, मेरा लोग क्या सोचे, हमने सुहेल को यहाँ पे मिस किया क्योंकि काम के लिए हम बहुत डिस्कशन कर रहे थे इस चीज को लेके, इंशाल्लाह सुहेल से भी मिलते हैं और वी कैन डिस्कस समथिंग मोर बिगर देन, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। इसमें क्या है आगे बताइएगा, बिकॉज इट्स फरकाबाद की, कायमगंज की फेवरेट बोलते हैं इसको डिश। अच्छा खा के बताएगा आपको कैसे लगी, अगर हाथ की रोटी हो तो नहीं मजा नहीं आता। अच्छा नान ही चाहिए, चाहे वो बेसिकली कोई भी हो, आप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ आती है, आप नान कोई भी नान ले सकते हैं। अरे ब्लॉग भी आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे, ठीक ठाक लग रहे होंगे, मेरा तो ऐसी है बट हाँ अगर अच्छे नहीं, ऐसा नहीं, आपके भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी मेरी ऑडियंस है वो आपके ब्लॉग देखती है, ऑडियंस मुझे सच में सपोर्ट कर रही है, आपके बाद से ही शुरू हुआ है करना, तो मैं हम वहाँ से रूम पे अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसमें है भाई फाइनली, अब हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने जो हमारा गिफ्ट रखा था काफी टाइम से, कई बार बात हुई बट मीट नहीं हो पाई, फाइनली आज मुलाकात हुई एंड गिफ्ट लेके आए, और साथ में कुछ खाने की भी चीज है वो भी आपको दिखा। सो ये है आपका एक हमारा गिफ्ट जो रखा था काफी टाइम से, ये कुछ खाने की बहुत फेमस चीज है, पहले इसको खोलते हैं, अच्छे से पैक हुआ होगा ये भाई, माशाल्लाह है तो कप, लेकिन बड़ा स्पेशल कप है, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं देखो कि मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी, तो ये है हमारा प्यारा सम्मक मिस्टर अकबर अहमद, और ये है जो हमने पॉडकास्ट शूट करा था episode 1 season 1 का, आई एम फर्स्ट गेस्ट ऑफ दैट पॉडकास्ट। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना माशाल्लाह से, इसमें हम अपनी कॉफी जरूर एक बार ट्राई करेंगे। अब बारी आती है इसकी, ओहो भाई देखने से तो बड़ा प्यारा लग रहा है, जम गया है, मुझे गर्म करना पड़ेगा। ओहो अरे ये तो हमारा नाल गोश है, ये नाल गोश है, अरे वाह, दिस इज माय, हमारे मौदाहा में जो लोग मौदाहा से उनको पता होगा कि मौदाहा का नाल गोश जो है ना पूरे 12 गांव क्या पूरे इंडिया में और इनफैक्ट इंटरनेशनली फेमस है, और ये हमारे नाल गोश जैसी खुशबू आ रही है, वाह सही यार, पता है सब कह रहे थे कि रोटी ले लो, लेकिन मैं थोड़ा सा संकोच में रहा, मैंने कहा आगे ले लेंगे, और ये फिर मैंने कहा हाथ के बना के खाएंगे, लेकिन मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया कि रुखसार ने नाल गोश बोला, नहीं तो मैं नान जरूर लेकर आता। अब बताओ मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी क्योंकि अब इतनी रात हो गई है, और अब मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि उधर जाना पड़ेगा, काफी दूर जाना पड़ेगा, सो कोई नहीं, अब ये व्लॉग देखेंगे, आपने बोला क्यों नहीं, कोई नहीं, मुझे पहले मैंने सोचा कि मैं बोल दूं उनको कि हमारे लिए भी 2 रोटी ले आइएगा, लेकिन फिर मैंने कहा, मैंने तकल्लुफ कर गया कुल मिला के, ये हम सीधा सीधा कहें, एनीवेज कोई नहीं, तो हम अपने हाथ की बनाई रोटियां खाएंगे, नाल गोश्त हमें बहुत पसंद है स्पेशली हमारे मौदाहा में, तो अभी हम वैसे भी जाने वाले हैं मौदाहा, तो मजा आएगा भाई, इतना अच्छा नाल गोश्त है कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको दिखाता हूँ भाई, माशाल्लाह से देखो दिल्ली में हमको मिल गया नाल गोश्त, थैंक यू सो मच रुखसार, क्योंकि ये हमारे पूरे मौदाहा की जान है आपका नाल गोश्त, और वही खुशबू, वही आपका इसका लजीज स्वाद, और वही इसकी रौनक, माशाल्लाह से मजा आ गया। देखिए दिल्ली में हमने खाया नाल गोश्त, वाह भाई वाह, गर्म गर्म हमारे हाथ की रोटियां,
हमारा प्यारा सा ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग आपको दे पाऊँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्यार करिए, मेरे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कॉमेंट जरूर किया करिए। बस इस ब्लॉग का हम यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं सीधे नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बक है, अल्लाह हाफिज़।